रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। हाय एवरीवन, मैं शांति स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल कुक विद एसएस में। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। एक हेल्दी ऑप्शन है क्योंकि ये सूजी और बहुत सारी सब्जियों से बना है। तो चलिए फिर देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में हम एक कप सूजी डाल लेंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा कप दही। पहले इन दोनों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम पानी डाल लेंगे जरूरत के अनुसार। एकदम से बहुत सारा पानी नहीं डालना है, मैंने दही की कटोरी में ही पानी डालकर यूज कर लिया है। इसे मिक्स करते चलेंगे ताकि इसमें गुठलियां ना बने, तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते रहेंगे। और इसे करीबन 15 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, तो इसे एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। ये थोड़ी फूल गई है, पर ये कंसिस्टेंसी हमें नहीं चाहिए, थोड़ा सा हमें पतला चाहिए। तो इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा पानी। इस समय भी आपको पानी को एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके उसे मिक्स करते हुए चलेंगे। ना तो हमें इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। तो ये आप देख सकते हैं, इतना ही हमें ये चाहिए। अब बारी है इसमें अपने पसंद की कोई भी सब्जी ऐड करने की। आपके बच्चे जो भी खाना पसंद करते हैं आप उसमें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप किसा हुआ गाजर, थोड़े से अदरक किसा हुआ, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटे हुए प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। और इसमें अब हम डाल लेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही गैस में एक तवे को चढ़ा लेंगे या कोई भी पैन आप यूज कर सकते हैं इसमें, और उसे गर्म होने देंगे। ये बहुत ही हेल्दियर वर्जन है क्योंकि इसमें तेल भी बहुत ही ज़्यादा कम लगने वाला है। तो आधी छोटी चम्मच तेल इसमें लगेगा एक पैनकेक को बनाने में। तो इस तरह से पैन में को आप ग्रीस कर लीजिए। और इसमें हम एक करछी बैटर को डाल लेंगे और उसे फैला लेंगे। हल्के हाथों से फैलाते हुए इसे एक शेप दे देंगे। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा शेप में इसे बनाना चाहते हैं। आप इसे सर्कल में भी बना सकते हैं, आप रेक्टेंगुलर भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे रेक्टेंगल शेप में बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से फैलाते हुए हम इसे रेक्टेंगल शेप दे देंगे और एक साइड से हमें इसे 1.5 से 2 मिनट तक पकाना है। और हम इसे ढक लेंगे ताकि जो ऊपर का पोर्शन है वो भी हल्का सा भाप में पक जाए। तो चलिए फिर इसे ढक लेते हैं। अब डेढ़ से दो मिनट बाद आप देखेंगे कि जो ऊपर का पोर्शन है वो काफी ड्राई हो गया है। तो अब उसे पलटकर हम उस साइड से भी पका लेंगे। 30-40 सेकंड के बाद आप इसे पलट के देख सकते हैं कि अगर ये पका है तो आप इसे निकाल लें, वरना इसे फिर से पलट कर दूसरी साइड से पका लेंगे। कॉर्नर से प्रेस करते हुए भी हम इसे पका लेंगे ताकि जो उसके कॉर्नर हैं वो कच्चे ना रहे। अब इसे पलट कर चेक कर लेते हैं। तो ये पक गया है, इसे निकाल कर अलग रख लेंगे। इसी तरह से बचे हुए बैटर के हम इस तरह से पैनकेक्स बना सकते हैं। इस पूरे बैटर में मैंने 6 पैनकेक्स बनाए हैं।
अब इसके बीच में एक चटनी हमें यूज़ करनी है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। आप इसमें हरी चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही चटनी यूज़ करनी है, कोई भी अपने फेवरेट चटनी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, आप मेयोनीज भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये चटनी मैं कैसे बनाने वाली हूँ। तो मैं मूंगफली की चटनी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 1/4 कप मूंगफली को गैस में तवे के ऊपर रख लिया है ताकि ये अच्छे से हम इसे रोस्ट कर सके। तो चम्मच से चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे पका लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। तो कुछ ये इस तरह से दिखेगी 1.5 से 2 मिनट बाद। अब गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं और इसे ट्रांसफर कर लेते हैं एक मिक्सर जार में। अब इसमें डाल लेंगे हम 1 कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्चें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं इसमें, तीखा अगर आपको कम चाहिए तो कम यूज करें। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल लिया है मैंने इसमें। अब डालेंगे इसमें 1 कटा हुआ टमाटर, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 नींबू का रस और थोड़ा सा पानी। आपको इसकी कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए आप उस अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। गाढ़ा नहीं चाहिए तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। तो ये चटनी मैंने पीस ली है, मैंने थोड़ी सी गाढ़ी ही रखी है ताकि मैं इजीली इसको स्प्रेड कर सकूँ जो हमने पैनकेक्स बनाए हैं। ये इस तरह से तो मैंने यहाँ पर अभी 2 पैनकेक में यूज़ कर रही हूँ। इनमें हम चटनी लगा लेंगे। आप चाहें तो मेयोनीज भी लगा सकते हैं, आप हरी चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, इवन आप टोमेटो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे स्प्रेड कर लेंगे और जो दूसरा है उसे इसके ऊपर रख कर सेट कर देंगे। और अब जैसे हम सैंडविच को बीच से काटते हैं, इसे भी हम सैंडविच का शेप दे देंगे। तो इसे कट कर लेंगे बीच से। ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, आप एक बार ज़रूर बनाएं, आपको अच्छी लगेगी और आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ट्राई तो एक बार ज़रूर करिएगा और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आने वाली है। आप उन्हें बहुत सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल के खिला सकते हैं। तो बिल्कुल रेडी है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।